ट्रेन आ चुकी है। पीछे का व्यू देखिए आप, झंडा बनना मत। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल इट्स अनमार ब्लॉग। सब स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और अब आपको पता ही जैसा कि कल बताया था, हमने ग्वालियर जा रहे हैं और सफर शुरू हो चुका है। और मतलब वापस निकल चुके हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, मथुरा का स्टेशन है। गाइस देख लिए ट्रेन आ चुकी है एक दूसरी, पर हमारी नहीं है, हमारी अभी थोड़ी देर बाद आएगी टाइम है। तो सुबह सुबह हम मथुरा आए थे गाइस, आपको बताते हैं ज़रा। सुबह सुबह हम मथुरा आए इधर, तो अपन को जल्दी में आना पड़ा इधर। मतलब मान लो गाइस कि अपन को सुबह ही निकलना पड़ा था, अपन निकले थे सुबह 4 बजे उठा था मैं। तो अब जल्दी जल्दी में ब्लॉग कुछ नहीं कर पाया क्योंकि शायद से लेट हो गया, उसको ब्लॉग से लेकर आना पड़ा ना। तो लेट हो गया, अब ब्लॉग यहाँ से भी करा है। अब आई होप आपको आवाज़ सही आ रही है, क्योंकि ये बहुत नोट हो रही है सर। तो पता नहीं आपको आवाज़ भी कैसे आ रही है या नहीं आ रही होगी, बट कोशिश तो हमारी यही है। मैंने ईयरबड्स लगा रखे हैं इसीलिए कि आपको नोइज भी कुछ नहीं आया। तो फिलहाल टाइम देख लो, 8:10 हो रखी है, तो थोड़ी देर में 8:30 की ट्रेन है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको आने में, तो वेट हो रहा है वो किसी का। तो गाइस फिलहाल अपना ट्रेन का वो लग चुका है इधर, नंबर वंबर डल चुके हैं सारे जो अपने वो होते ना कोच वगैरह के। तो अपना आया सबसे आगे गाइस, सबसे आगे वाला डिब्बा है अपना, बहुत आगे है, तो अपन को आगे जाना पड़ेगा बहुत। तो चल रही है बस, हमारे साथ जैद है, जैद भी चल रहा है और साहिल पीछे आ रहा है, दिख रहा होगा आपको लंबे लंबे वाला हुआ। तो अपन तीनों ही जा रहे हैं, चलिए चलते हैं, फिर मास्क लगा लेते हैं। तो ये हम रुके हैं ब्रेड पकौड़ा लेने, साइज़ देख सकते हो कितने बड़े बड़े साइज है ब्रेड पकौड़ा का। तो ब्रेड पकौड़ा लेते हैं, खाते हैं। ट्रेन आ चुकी है और ये तो वो आ रही है। स्टेशन आपका स्वागत है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या इसमें बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। 8:00 से गाइस अभी पता नहीं कोई स्टेशन स्टेशन आने वाला है, ट्रेन अपनी रुकने वाली है, कौन सा आया देगी। स्टेशन का पीछे कितना हेडिंग से छोड़ा गया, 5 मिनट में चल रहा है इसकी लोडिंग लोडिंग चल रही है हमारी भी। गाइस गाने वगैरह कुछ चल ही नहीं पाए, अपन तो वैसे टाइम पास कर रहे हैं, ब्लॉग शूट करके ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। सो गाइस इधर के बाथरूम देख सकते हो आप, बड़ा क्लीन शीशा हो रखा है, देखिए फोटो मस्त आ रहा है।
किसका रेट नहीं चल रहा है, रोक चुकी है से बेचारा, बाहर भी आ गया, बाहर चेक करते पर नहीं चल रहा है, गेट खोल देख देख लगा दे उसको लगा दे। भाई जी रुक रुक के पहुँच जा रही है ट्रेन, देखिए जी मैंने ट्रेन किया इंडियन रेट में, हो तो क्या दोस्तों इंडियन रेट पर करा रहे ट्रेन रफ्तार पकड़ी है फास्ट वॉच देखो चल रही है स्पीड में, बाहर से दिखाऊँ लग रहा है बहुत स्पीड में जा रही है। अब पकड़ ली स्पीड, खुश हो गया तो तू गाइस, सीट हमारी अंदर है, ये अंकल बैठे ना ये वाली हमारी सीट है, ये भी बंद हो गया गेट, अपनी ट्रेन रुकी है और अपन देखो स्टेशन दिखाओ मेरा, बट अपन को देखो अपन यहाँ खड़े हैं एंड अपन को चाहिए क्या पापड़, भूख लग रही है गाइस, पापड़ वो बेच रहा पर उसको कैसे बुलाएं गाइस, देखो स्टेशन हो रहा और हम कहाँ खड़े हैं, इधर कोई आ नहीं सकता अब भूखे ही मरना पड़ेगा गाइस हमको, और आगे कोई स्टेशन बड़े पे रुकेगी जब आगे आगे का, ये तो गलती बात गाइस, मतलब आगे आगे जब ट्रेन होती है ना अपना इंजन आ जाता है, इंजन के पास दिक्कत ही रहती है गाइस, बहुत ज़्यादा आगे रुकती है ट्रेन, के डब्बे देखिए बीच बीच में लूटा पार्टी कर ली है इन जैसे लड़कों ने, लूटा पार्टी करी है ऐसी, देखिए डब्बे गायब है बीच बीच ट्रेन के, हाँ वो मालगाड़ी है तो ट्रेन मालगाड़ी, हाँ मालगाड़ी का बस थोड़ी है वो, है तो ट्रेन ना, ट्रेन के अंदर आती है वो भाई, कितनी छोटी है कपड़े वगैरह, अरे अरे इनके तो जूते कपड़े आएंगे इतने सारे मेरे लिए, लास्ट स्टॉप है गाइस हमारा
देखिए हमारा कह रहा था लास्ट गाइस। सब लोग उतरने के लिए रेडी, सब लेकर बस स्टेशन आ गया है हमारा। गाइस आज पहुंचे अपनी ट्रेन धौलपुर में, एंड धौलपुर में देखिए बस भीड़ देखिए आप, पब्लिक देखिए और स्टेशन देखिए। तो गाइस देख लो बाहर निकल गया है स्टेशन। है टी शर्ट कर रहा हूँ। गाइस पीछे का व्यू देखिए आप, झंडा बंडा मस्त लग रहा है। गाइस हमने ऑटो वो जो बुक करा है वो आ गए है, तो आगे चलते हैं। कैब बुक करनी चाहिए थी यार, गर्मी हो रही। हाँ कैब करनी चाहिए थी गाइस, पर इसने करा था ऑटो कर दिया इसने। हाँ खड़ा नहीं बता रहा है गाइस। ये कौन सा होटल है? होटल एम्बुलेंस पढ़ भी लिया मैंने, एम्बियंस होटल एम्बियंस। वही मारा मारा इन्हें टेम्पो वालों ने मारा। एंटर इन द रूम और फिलहाल ग्वालियर पहुंच ही गए फाइनली। गाइस और गाइस रूम देख सकते हो आप, साहिल का रूम है। देखिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, कमेंट में बता देना कैसा रूम है गाइस। अभी साफ सफाई नहीं हुई है गाइस, झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं दी है, चक्कर बद्दर सब दे देगी। किचन देख लो गाइस इसकी। तो अभी आपको गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, साफ सफाई करके पूरी, और दिन से बंद पड़ा है ना, तो इसलिए अब साफ सफाई होगी इसकी, तब सही होगा। सो गाइस फिलहाल रूम वगैरह सब साफ हो चुका है, देख लो चादर भी नहीं बिछ रही है। एंड अपन खाना वगैरह भी बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। अपने जल्दी से साफ सफाई करके खाना खाया सबसे पहले, एंड अभी फिलहाल अब तो मस्त सोएंगे ए सी चला के, चक्कर आराम से ए सी बंद करा इसको बंद कर लेते, अब तो हम सोएंगे। एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एंड बाकी का जो भी घूमने का टूर वगैरह है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग से मिलेगा। तो यहीं तक था बस ये वाला ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई भी जगह आपको पता हो ग्वालियर की जब भी हमको घूमनी चाहिए तो बता देना, ठीक है।